so why legs pain so much after leg day because normally after other exercises jaise aap chest ki muscle ki exercise karte ho you can actually let go you can actually give rest to that chest part you are not you aapko us chest ke upar alag se bhar utha ke nahi chalna hai कि भई मेरे को अलग से chest के ऊपर 20 किलो 10 किलो 50 किलो का dumbbell उठा के मेरे को घर लेके जाना नहीं but you have to work थ्रू द लेग्स आपको उस लेग की ऐसी, ऐसी पटाने के बाद में भी उसके ऊपर अपना पूरा शरीर का भार उठा के घर जाना है सो यू हैव टू स्टिल वर्कआउट सो आइडियली दैट्स दैट्स वन ऑफ द रीजन वाई लेग्स की एक्सरसाइज के बाद इट हर्ट सो मच कि आप पैर नहीं उठा पाते एंड आइडियली वट शुड बी द केस आफ्टर अ लेग वर्कआउट यू शुड नॉट ट्राई टू वॉक इमीजिएटली यू शुड गिव समाइम फॉर दैट मसल बिकॉज ऑब्वियसली एक मसल में हैवी एक्टिविटी के बाद उसमें लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाते हैं मसल गोज इनटू टू फटीक का मतलब ही यही है फटीक का मतलब यह है जब बेंच प्रेस में आप एक ड्रॉप सेट करते हो या नहीं भी सेट करते हो तो उससे हल्का वेट उठा सकते हो और हल्का वेट उठा सकते हो उसके बाद एक टाइम आता नहीं उठा सकते तो नहीं उठा सकते तो उसके ऊपर बंदा खड़ा हो जाएगा तो कहाँ से पैर उठाएगा थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा उसको दस मिनट दो पंद्रह मिनट देन यू विल माइट बी एबल टू गो इन टू दैट कि हाँ चलो खड़े हो पाए बिकॉज थोड़ा बहुत लैक्टिक एसिड वहां से फ्लश आउट होगा पानी पियो हो। रिलैक्स करो डीप ब्रीदिंग करो लेट ऑक्सीजन गो इन टू द मसल रिलैक्स योर मसल स्ट्रेच योर मसल लेट द ब्लड गेट आउट ऑफ इट कि वहां से थोड़ा निकले एंड देन योर मसल विल बी यू नो नॉट हर्टिंग सो मच सो मसल हर्ट सो मच अगर आप बिना प्रॉपर रेस्ट पीरियड के उसको एक्सरसाइज देते जाते हो देते जाते हो और टेक्निकली देर वॉज अ टाइम वेन uh, बहुत सारा हैवी ईगो लिफ्टिंग करते थे हम भी करते तीन तीन सौ किलो के लेग प्रेस करने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली द इफेक्ट ऑफ हाइपरट्रॉफिक इफेक्ट उसमें नहीं आता था बिकॉज पूरा रेंज ऑफ मोशन तो नहीं आएगा वो ईगो लिफ्टिंग है उसमें दर्द तो उतना ही होगा ऐसी तैसी हो जाती है मसल की लेकिन ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए सो यू नीड टू मेक योर एक्सरसाइज मोर इफेक्टिव जो आपकी गोल है अगर आपका गोल हैवी लिफ्टिंग है वे यू नो इफ यू आर लाइक अ पावर लिफ्टर तो लिफ्टिंग पे जाओ अगर आपका गोल हाइपरट्रॉफी है तो ईगो लिफ्टिंग मत करो ईगो लिफ्टिंग से हाइपरट्रॉफी नहीं होगी हाइपरट्रॉफी हाइपर होगी प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन पे रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करने पर आपकी मसल उतनी ज्यादा नहीं थकेगी जितनी आपको लगती है जितनी आप वैसे थका लेते हो ईगो लिफ्टिंग कर करके रिमेंबर दैट ओके तो